और खामियों से मुराद ये कि कहीं साथ में भी फिर से पाए जाते हैं। बाप को हमेशा वो बच्चा बड़ा पसंद आता है जो कमाता है अच्छा, खाता है अच्छा, पहनता है अच्छा। चिराकियां और प्राण डोर में करने वाला बेटा बाप के बड़े दिल के करीब होता है क्योंकि उसने गाड़ी और मुख्य चीजें बना ली होती है। लेकिन यही इस माशरे के अंदर एक बेचारा मासूम बच्चा जो बस्ते से लेकर घर तक और मजदूरी दिहाड़ी के साथ अपनी रोटी रोटी कमाता है उसकी तरफ ना बाप का ध्यान होता है ना बहन भाई का होता है और ना ही हमारे इस माशरे का होता है। जहाँ एक मुसलमान इंसान को आराम से रिश्ता मिल जाता है वहीं इस बेचारे गरीब बच्चे को रिश्ता देने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। अगर कोई रिश्ता इसको दे ही दे तो कहते हैं कि माशरे की वो उसको सादा लड़की और रूह का मिलाप करना पड़ता है। एक ऐसी लड़की देखनी पड़ती है जो पढ़ी लिखी कम हो और मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक हमारी रवायात है आजकल कि उसके बाप के पास पैसा कम हो वो जेल में कुछ भी ना लाए तो इन दोनों की जिंदगी स्टार्ट हो सके। गाँव और शहरी जिंदगी को हम बड़ा कंपेरिजन करते हैं। आज जिस दौर में हम तक पहुंचा वो सारे गाँव के जरिए से ही पहुंचा। जो आज शहर आबाद है किसी दौर में पिंड भी थे, किसी दौर में गाँव भी थे, किसी दौर में कस्बे भी थे। और जिसको मैं अगर पंजाबी की पुरानी इस्तलाह के तौर पर इस्तेमाल करूँ तो ये सारे ढोके भी थी ढोक भी थे। अब इस रवायात का बदलाव का पाया और कैसे आया? भाई भाई के खून का दुश्मन कब हो गया? एक माँ जो है बेचारी सारी जिंदगी अपने बच्चे को पालती रही और कब इसने सोचा कि मेरी माँ जो है वो मेरे घर के काबिल नहीं है। उसने कभी ओल्ड एज होम के जरिए उसको अपने घर से निकाल दिया, कभी उसने कहा कि अल्लाह करे जल्दी मर जाए और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी अलग बात अपनी माँ के बारे में अपने बाप के बारे में कहे गए जो शायद टीवी पे बयान करना भी जरा मुश्किल हो जाता है। आज हम कोशिश करेंगे, आज उनका के प्रोग्राम में मेरी और मेरी टीम की कोशिश होगी इस खानदानी निज़ाम को जो पाकिस्तान के लोगों के लिए पावर भी है, खुशी की बात भी है, आज हम इसको डिस्कस करें। मेरे साथ मेरे कुछ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, मेरी टीम जैसे मौजूद होंगे। जैसे मुझे लेफ्ट साइड पर ज्वाइन किया है रबिया ने, थैंक यू सो मच रबिया को ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद है जी बड़े अच्छे शायर नदीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और साथ के साथ हमारी मैडम मौजूद है मैडम शर्मा, थैंक यू सो मच ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राइट साइड पर हमारे साथ मौजूद है जी निमरा, निमरा आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने ज्वाइन किया। आइए चलते हैं गाँव की जाने और गांव का एक हालात देखते हैं कि गांव में चल कैसे रहा है और लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ये वही गांव है जिसकी मैंने बात की थी हमारी एक आसिफ अखर, आइए चलते हैं। ओए चिट्टा मैं कबूतर उडारी छोड़या, दौलत आले नाज़म की मारी छोड़या। हाय चिट्टा मैं कबूतर उडारी छोड़या, दौलत आले नाज़म की मारी छोड़या। ओए अखियां दा पानी सुक गया जे, ओ मलक माला रो रो के सुक गया जे। मैं क्यों रोऊंगा? ओ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? ओ क्या हाल है जी पापा जी, बाले ओ डेरा डगा ठीक आ? जी जी ठीक है, ठीक है। सुनो बड़ी जना ना एज बोटी जैकेट शैकेट पाई ने मड़हल कोई सी शी लगा ना जी, सर्दियां है तो सी शी तो लगता ही है ना बंदे को। नहीं वो सी नहीं, वो जड़ी मिर्चा लगनिया करना शीशे, मैं सर्दी नहीं पे गल पे करना उस ना। ये जमीन आपकी है जो पीछे नजर आ रही है? वो गल सुन, वो निकिया बड़ा लश पश पप्पू शप्पू पे लगना है, गल सुन। वो मिकी नहीं जानते ही? नहीं नहीं, कौन है आप? या अल्लाह, ए वो अटोक तो किन्नी का जेलम तक मिकी सारी दुनिया जानने। गल सुन, ये जरा पिछे पे तकना है ना बाड़ियां, ये सारियां बाड़ियां किस दियां? किस दियां? मैं तुम्हारे को पूछना माड़ियां या ना जी, क्या पे कर रहे हो जी? अल्लाह यकीन करो, ये ट्रैक्टर कुछ सौ दान बकरियां, ये कुकड़ियां, ये किस दियां?
बैठे ना आपका फिर इंटरव्यू करते हैं। और नहीं ना जी बह के क्या जड़ी गल कर रही ने संगिया खली गया उस तक मजा ही कुछ और मजा आएगा आज आपसे बात करके। ठहर रहे रहा तुम्हारी वजह तो बंदा अभी किसी ने बकरी भी चढ़ी गई वो जरा जा ध्यान ना करो तो बाड़िया जरा कोई ना कोई जानवर आ रहा है। इतना रकबा है तो आपने तो मुलाजिम शलाजिम भी बड़े रखे होंगे। और जो मुलाजम ने जी मैं तो मालक रखा ही मतलब मालक रखा गला की समझा करना कहना गछा करना वध्या ना करना। अच्छा जितनी मैं गल करा उतनी करा करना। अच्छा गल सुनो जी जी इतना कोई कैंटीन शीन पाई है जी जी पाई हुई है तो कुछ आशा देना है। अच्छा आप इतनी बड़ी माशाल्लाह मालिक है और चाहे हमसे मांग रहे हैं यार मैं तुसा को ले आया ना वे है जी। अच्छा, कितना रकबा है आपका ये पीछे रकबा कुछ 2000 कनाल। अच्छा ठीक है जी टी चौक तक की नरवात जी जी टी चौक तो किन्नी कहते चकवाल मोड़ तक जिथे भी तक सेना है जी वो अपनी बाड़िया। अच्छा है जी तो कई रकबा आपका आया जीटी रोड वगैरह पे या कोई पैसे शैसे बेचा भी है कमाया भी आप? ओए पैसा यकीन कर सके जे कहना हूं जरा ना माड़ी जी दो कनाल बाड़ी सी ना जीटी रोड उपर उस विच सड़क कड़ी ने ना और तो रुपया रुपया है मेरे चंगे लग गया ठाठा हो सड़ा है तो क्या समझना है अब शादियां की है या शादी की है? त्रै शादियां कीतियां। हां पहली जनानी मरी गई सी। अच्छा फिर दो अभी आधे सर्विस भूखी इतनी दीती ना मतलब खुद नहीं देते थे आप? ओ नहीं ना अजीब अजीब चीजा मंगनी सी उठे गच्छी करना मैं जे करना फूड पोए वो पत्र क्या क्या करसा मैं कह ना ये जेड़ा खाणी देखा इना लाता जरानी ते ठीक है ये पैसा कमाना को खाला जी ना कह रहा ये मलक साहब बड़ा ओखा पैसा कमाया ये बाड़ियां जद्दी पुछती अमीर तू छोड़ ना। हां लेकिन आपकी टोर से लगते हैं आपको अल्लाह ने बहुत दिया पैसे जैसा वो किसा चीज नहीं कमी को नहीं। हां और वैसे फेवरेट चीज क्या खाते क्या है गोश्त वगैरह में? ओ जी और नहीं होना वो जरा बर्गर हो। हाँ हाँ। ओ बर्गर जब तक मैं ना खावा विचो तक ये अंडा रखाई क्या आप जिंगर बर्गर की बात कर रहे हैं केड़ी जिंगर हां ओ इना है ते नाल ना उत्ता मैं जिक्र चटनी पाला गल सुन बर्गर तो मैं याद आया एक दफा पता क्या होया मैं चला गया ना मार्केट हो मैं कहना जी केड़ा बर्गर खास हो है जी ते बीफ के केड़ा है जी ते मैं कहला किनी आ वो किन्नी क्या पूरा समझ नहीं लगी माड़ी अंग्रेजी जरा लहजा जरा स्टाइल ऐसा ना रवा बोलते हैं आप अंग्रेजी ये दस माड़े तो अच्छे अंग्रेजी कौन जरा बोले मेरे साथ हैं हाउ आर यू ओल्ड यू ओ तुसा अंग्रेजी दी गल पे करने हो जी अंग्रेजी मैं फर 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 करी के बोलना। अच्छा तुसा माड़े को पूछो इंटरव्यू क्यों मैं तुसा की जवाब देसा हाउ आर यू हाउ आर यू ठीक नहीं अंग्रेजी क्या है I am fine. I am fan. Fine. Oh, we get fine. Fan. Oh, to aale ala. Acha. What's up? What? What's up? Oh, saade kol puchna hai. Assa kol puchda hai. Oh, mikki nahi pata. Oh, what's up kya hona? Kya hona? Oh, what's up te badiya video te pade ja ke na message. वो भी व्हाट्सएप लाना पे ना। हाँ जी हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ। हाँ और पूछ ऐसी किसी चीज की कमी नहीं अल्लाह जी ना करम हर वाता तू किन्नी का गुजर खान तक पढ़िया जितने रस्ते च बोर्ड आने ना सारे पढ़ी किन्ना। व्हाट यू से अबाउट फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स योर फेवरेट लीडर? हाँ फेवरेट लीडर फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी अबाउट फॉर पाकिस्तान पॉलिटिक्स। पाकिस्तान पॉलिटिक्स से मकसद कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कॉस्मेटिक नहीं नहीं ओ पॉलिटिक्स आप तो पढ़े लिखे हैं आपने तो सारे बोर्ड पढ़े हैं तो आप बताएं ना। हाँ लीडर हो? हाँ जी लीडर। लीडर हाँ जी कुछ लोड़िए लीडर। अच्छा हैं नहीं कोई फेवरेट नहीं है एक भी कौन नहीं कमाल है एक भी कौन नहीं बस खाली शेरवानियां बदली का आ रहे अगर अल्लाह ना करो मियां ने कोई काम काज को नहीं क्या की तो ने। अच्छा आपको खुद कभी इरादा हुआ कि मैं इलेक्शन लड़ूं कंटेस्ट करूं? आने थे बखी फाड़ आए काफी। अच्छा। आने के बाणियां शाणियां बेचो राजा जी तो करो जे कहना है इलेक्शन लुक्शन करो एक आने इलेक्शन लड़ा तो इसी को फायदा शायदा थे फायदा किस तरह का आप चाहते हैं येरा जेड़े ये चाहने गल इन्हें को क्या होना है जिले वो गली ना कौंसलर बनना है जी तो कख भी ना मोटरसाइकिलें किक्का मारी मारी के हैं लत्त त्रोड़िया होनी बाद ही पता चलो वड़िया वड़िया गड्डिया आ रही मैं ना भी नहीं छे है ठीक है तो दसो ना आप वैसे इलेक्शन बेगम साहब उठो जरा साफ कराना जी क्या पे करना गल सुनो 100 बारी आख्या जी बूबा ना आख्या करो मैं बूबा आख्या करो सारा ग्राउंड मिकी बूबा
बेबी ए ए मारा नौकरा सारा ओते के धरा इसे स्वामी जमीन जदा सब कुछ इसे धावे इधर 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 मेरी तरफ देखो तुम्हारे तो अभी ये सारी बाड़ियां अपनी थी और ये सारा मालिक थे तो अभी क्या सीन हुआ है ओ सर जी समझा करो ना इन की मैं मालिक रखा सारे ना ना मैंने आपको क्या कहा है मैंने इससे पूछा कि ये बाड़ियां किसकी हैं तो इसने मुझे क्या कहा है जरा खुद बताओ डाडा मारना इन्हें जी क्या करने हो जी इसकी कुछ सर जी कुछ भी नहीं मैं ब्यो ब्यो जी ब्यो 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 वो गल सुनो वो मैं जरा जहाँ मखोल करी चलिया वो मैं क्या चलो गुरजेसर को नंबर बनने तो बना मैं क्या जी बाड़िया माड़िया अपने मैं माफ कर माफ मतलब जो पैसे बारू भेजना वो भी तू सारे खर्च करना रे बाड़िया तू अपने नाल वाला पे और ना नहीं जी किस संभालिया बाड़िया तू सारी मैं संभालिया ओ बेबी ओ बेबी डार्लिंग डार्लिंग ए ए आली बेबी है बड़ा सोहना काला जोड़ा पाया जी अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते गाना वे ना ओ फ्री ना ओ हां गल सुनो ये कुछ माड़े वास्ते उत्थों आंदा है सीधा बात करें ना कि आप एक बाप की दोनों औलाद हैं और आज उनके पास पैसा कम है और आप उनको मानने के लिए पैसा मतलब कहाँ से है बेसिकली ये जो आपकी मिसेज है ये उधर से है ये इंग्लैंड होनी ना इन्हों ने वजह तुम्हारे पेपर बने उसे जनानी ने पैर दबाई छोड़ो रन मरीद होना भांडे तो छोड़ो को रन मरीद होना कपड़े जनानी ने तो छोड़ो को रन मरीद होना रन मरीद कोल कोल बेबी कोल ये जिन्ना लापा तू उसकी रखिया ना ये क्यामत तक पूरा नहीं गजनी आ बू सोख देता ही वो बू सोने पैकेज देते नहीं पाकिस्तान ही दिए कोई बैंक ही कोई इतने अच्छे पैकेज देवे जो तू दिते बेब की कह आखना बे बेबी बेबी बे बे बेबी अच्छा मजू माड़ी गल पुजे ए बिजली ना बिल आया वैसी ता ओ देने जगह दे ना थोड़े जिक पैसे मजू मजू ओ मेरे लाला आखे मजू ना आख्या कर मजू ना आख माजत चीमा माजत चीमा माजत कीमा आपको यस का मतलब पता ए जी कोनी सर जी पता हाँ अच्छा आप करते क्या है वैसे जी ऐसा माल डंगर क्या वाना था ऐसा बाड़ियां बाड़े आना ये बच्चा जो आपका ये कह रहा है कि इसको बिठा दे इधर नीचे बिठा अच्छा मारा बच्चा भेज जाता है ये अच्छा वो बीरो बिंडेपुर इसने मुंह ही बिंडे आना था बिंडेपुर क्या बैसी हाँ इस तरह ना कर ले इसको इस तरह झुकते तो ना हमारे ना आप नहीं नहीं मैं ऐसी इज्जत की थी सर जी तक मसवाक जी ना ए है तब मसवाक आना पिया और तू मसवाक हो तू मैं क्या जान सीना आखा बट बेबी ओ बीबी ए यू नो ए मारा लाला ए उसना पुत्र निका पुत्र व्हाट मसवाक 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 उसना नाम अरे सुनो
मैदान मारी रखे उठा अच्छा इस तरह गया जुई गया तो सिक्की सट्टी सुना पिछो है तो अद्धा घंटा बेहोश रहा महबूब चीमा बूबा बूबा एवं ना इसकी आखो इसका नाम महबूब है महबूब ए बारहवें ग्रेड ना नौकर दस ना की दस वाह दस हूं केड़े ग्रेड ना वाह दो ग्रेड गटर साफ करने वाले दो ग्रेड ग्रेड भांडे साफ करने वाले चार गटर वाट ओ बेबी गटर मीन गटर वाट कोई आम बूबा नी ए माड़ा नौकर महबूब आख महबूब ए बारहवें ग्रेड ना नौकर आ ओ किस तरह बारहवें ग्रेड ना बनता ही किस तरह बारहवें दो ए, ग्रेड इसे गटर साफ करने वाले वट गटर बेबी मोरो मुंह है ना बेबी बेबी समझा करो ना बेबी समझा करो ना मी ग्रेड दस दियो ना अपने बूबे ने दो ग्रेट है भांडे साफ करने वाले चार हो गए दो बारियां झाड़ू लाने वाले छे दो भांडे धोने वाले अठ दो मरजा जगह दबाई छोड़ना कर सफाई करी छोड़ना दस बाकी दुए दो कुछ नहीं ना दसने वाले होने केड़े का मतलब है तुम्हारा बाकी रे गड़े नहीं हुए हैं मैं तुम्हारी इज्जत पर करा तू मैं माले रह गया तुम कस पे खुदा ने मैं तो टुटा मारा मैं तुझे बुबिया ओ माड़ा बुबिया भूल गया ये सारा कुछ कुछ वट पिया कोई ड्रिंक नहीं बेबी चुप और गल सुनो इंग्लैंड कोई दरख्तां नाल नहीं पैसे जमने उठे मेहनत मजदूरियां करनी पहले तो कागज ही नहीं बने बेबो नी मेहरबानी है इन्होंने वजह तुम्हारे पेपर बनी गए इन्होंने ब्याह करी दिता उठे सन्ने की दरख्तों पैसे जमे होने भेजी भेजी थकी गया चाचा बेजती क्या करने बेरानी ओ चुप कर मसवाक ए मलिक जी माड़ी गल पुछो ए बंदा इंतहा झूठा बंदा या ठीक है उसकी सारे पैसे इसकी गड्डियां ते ट्रैक्टर ते सूट ते ओ छुर छुर करने वालियां इसकी आने देना ता एक रुपया आज दिन तक साढ़े किस बगल में मिट्टी दस है कसम आए ये ना करना वो बड़े बदतमीजी ना करो कसम इस तरह गला ना करा कर है मां ये सारे ग्रां ने काम मैं करना ये सारी जना बाड़ियां मैं संभालना मजा की मैं संभालना उन्हें की चारा मैं पाना इसका सारा मेकअप का सामान मैं आना इसके बाल ड्राई मैं करना इसका मेकअप मैं करना इसके हर जरूरत का ख्याल मैं रखना और फिर मैं क्या करना माड़ा मतलब कि मैं तो नौकर आना जी जिले तुसा नहीं होने तो मारे को सारे काम कराने ना नौकर है तो नौकर रहो ओ बीबी ने कोई खिदमत कर दी इस वेले ने कुछ पूछे ही सी बीबी जी दसो ना मैं तुसा ना कितना ख्याल रखना तुसा ने एक एक चीज ना जरा मैं ख्याल रखना है बेबी दसो ना ओ बेबी डलन डलन दी इसना मतलब माड़ा फिर मैं जुला हां जुलो जुलो गल सुनो अद्धा ही घंटा दा अच्छा बुबिया ओ बुबिया बंदा बन बेबी ने को खिदमत कर ओ को लस्सी को साग और खाने दे इसकी वट साग वट साग वट लस्सी साग साग नहीं पता है साग खेत ग्रीन का पुटिंग वट का 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 मीन के ओ साग होना ना दस ना यार बुबिया अल मैं तुस वास्ते आना लस्सी है जी हां लस्सी आन लस्सी आ ए गया ते ए आया जा जा मलक जी तुसा आने देना कुछ ना 3000 पिछले महीने भेजिया
दवाइयां ना। इधर से तुम यूके की बातें करते हो और आजकल के दौर में 3000 रुपए क्या वैल्यू रखता है? ओ मलिक जी, ओ उठे जाओ तो पता लगना, उठे जाओ तो पता लगना कितने बियां ना सो होना भेजी भेजी थकी के मारो चंदे ले ते जुल्म मारे ना। ओ मिक्की पड़े सोने लगे, वाच वाच। ओ मिक्की पड़े सोने लगे, ओ लंबी है बाल, ओ लंबे बाल ते बिल्लियां अक्खियां, ओ लंबे बाल ते बिल्लियां अक्खा। ओ मिक्की पड़े ए देखो बेबी जी सोने लग रहे हो। अबे गासो बेबी, ये तो सासे में लस्सी, यकीन करो रगड़ी 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 का मारे हाथ तक निके जो के ये तो सुए कुटो ये तो। अच्छा मुझे वैसे समझ नहीं आ रही तुम लोगों की, उधर से वो तुम्हारे ओनर की बीवी है और उधर से तुम उसे लाइन करा रहे हो, ये क्या तरीका का? निसले जना मैं खिदमत इत बू अगे वदी गया सर। ओ मिकी याद नहीं रहा, पता है कि तुसानी बड़ी दुश्मनदारी है ये प्राशा, तुसाने कोई पता नहीं कोई को जहर पाई छोड़ा है, मैं पहले आपको चेक करना। जहर व्हाट? ओ जहर मीन ए माखी माखी शायद हो शायद। ओए ना झूठा कर बेबी जी, दे एक गल सुनो ना, शायद मतलब माखी। जहर जहर व्हाट? जहर नो जहर नो जहर। ओ बुबी माखी माखी ओ याद ही होए है वो करा जिला जकना एक बार वो तूते पर जकना शायद लगा सी छत्ता जा तू जिला फटा मारया उसने पर होना ओ बड़ा जाए गोल जा। ओ व्हाट जंड व्हाट छत्ता छत्ता मक्खियां ना ट्री मक्खियां मक्खियां के मारो वट्टा फिर छेड़ियां टूबिया दस फिर क्या होना। वो पिछली दफा ना वो रोज टीवी च भी दसते पे थे खबर च ना वो घबराहट की ना उन्हें पता क्या किया उन्हें कोई शरारती तो होना तेरे उन्हें वट्टा मारिया ते चला वो मराज दूलोन सारे बरातियां के ये पे पक्के चला ये या ये कस पे हड़ी हड़ी चुनी होने से रहा। ये बुबिया तू है कुछ किया उसे याद है ना, तू उसे मखियारियां छेड़ियां सर चुपटी किया सर खारे याद आ वो ग्राम मेले गया तो मैं चिक्की जलेबी खाता है वो कुड़ी भी कही थी तू आ गया गाल छोड़ क्या था लम्मा पुरादा पाया और चुटिया लाई के तू बाहर गया चाहिए आज चुप चुप परफ्यूम तो क्या वरदा को पौन छोन भी मोटरसाइकिल पैसे भेजे सर नहीं चिकनी है और कुछ आना ही चाह पी से मदद की मां गल सुनो थे भ्राउ ने तगे ना है प्लाट है जी ए गल सुनो जी ए प्लाट तक कब्जा करी कर सी चार दीवारी फेरी गिनो कोई तके मेरे भ्रो ने मुंह तो तके ना यार पता लगना डड्डू चार्जर आ और नया नई गल सुन चाचा शर्म ने अपनी अपने बड़े भ्रो की तरह बोलना है पता चुप कर चुप कर चुप कर चुप कर गल सुनो बेबी गल सुनो ये सर पे क्यों मेकअप किया हुआ और नहीं मेकअप नहीं किया हुआ ये बरो पीस मरी तू आया ना गल सुनो यकीन करो सो मोटरसाइकिल आयो जी नहीं ते फिर हेलमेट क्यों पाए और गल सुनो यकीन कर से इधर तक के ना है जिन कुड़िया ने मेकअप किया होना तो मुंह तो वह तो उस बाद ये गोडा निकलना सारी दुनिया की नाम होया तुहाड़े भ्राउ की जुर्माना हो गया बस जगह उस काफी तक। अच्छा निमरा मुझे ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगी इस सारे एटमोस्फेयर के बारे में जो आपने देखा? मैंने देखा लेकिन इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि इंसान को जो है अपना कल नहीं भूलना चाहिए। अब बाहर चले गए उनके भाई, लेकिन उनके भाई जो गांव में है जिनके साथ उनका बचपन गुजरा, उनकी ज़िंदगी की सारी यादें, पेरेंट्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा, तो उस पर मतलब उन्होंने जैसे ही वाईफाई पे जाने से इनकार कर दिया,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको उनको साथ लेकर चलना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि ये मेरे भाई हैं, इनके साथ हमारा बचपन गुजरा, ये मेरा गांव है और यहाँ पे आप देखें कि वो इन्वायरमेंट है जो हमें बाहर यूके में भी नहीं मिल सकता। अच्छा निम्रा, वजह क्या होती है? पैसा वजह है ये? मतलब एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, पैसा मिलते इंसान बदल जाता है, ये बात वाकई है, ये फैक्ट है एक कि इंसान के पास जब पैसा आ जाता है अपना वक्त भूल जाता है कि यार कभी मैं इस वक्त पे था। जब वो वहाँ पे किसी और को देखता तो वो कहता नहीं ये तो मेरे स्टैंडर्ड के ही नहीं, उसे बात तक भी नहीं करता, जानता भी होगा स्टैंडर्ड होता क्या है, मतलब अच्छे कपड़े पहन लेना स्टैंडर्ड है। आजकल लोग ना पहनावे को बहुत वो प्रायोरिटी पे रखते हैं, लाइक अच्छा पहन लिया, इसके पास आईफोन है, इसके पास अच्छी गाड़ी है, तो यार ये बंदा ठीक है, वो उससे सलाम भी नहीं लेगा जो उसका भाई क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। और बेशक उसकी अखलाकियात जितनी मर्जी अच्छी हो, ये आपने देख भी लिया, इनके हालात भी देख लिए। और चलते हैं जी मेरे दूसरे एक्सपर्ट की जानिब, और यहाँ पे मैं बात ना करूँ हमारे रॉक स्टार की, मेरी टीम का हिस्सा जो रहते हैं हमेशा, अली जेब भाई, तो बड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, चलो ठीक है, आप फिट हैं? बाद में आते हैं आपकी तरफ, आपसे घर देख के बड़े बड़े फिट हो जाते हैं। सॉन्ग सुनते हैं आपसे, बाद में आते हैं जी। मैं चलूंगा अपनी दूसरी टीम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मदिया आप कैसी हैं? ठीक है। मदिया क्या वजह है, क्यों महंगाई ज्यादा हुई है आपके मोहल्ले में, या क्या वजह हुई है कि आप बिल्कुल रौनक वो जो होती है वो पहले जैसी मुस्कुराहट आपकी नहीं आ रही? नहीं, सैलरी कट की हो आपकी? वो तो कटती रहती है, वो ना कटे तो फिर हम काम सही नहीं करते। अच्छा निधि भाई क्या सुनाने जा रहे हैं आज आप? एक मजेदार सी नज़म जैसा टॉपिक चल रहा है गांव का। अच्छा, तकरीबन उससे मिलती जुलती है कि मैसा निक्का साइकिल वड्डी चलान लगाते उत्ते टट्टी, अब्बे ने फिर चंड सी रखी, इवें नहीं सानू साइकिल आई। हाय 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 बाबा। ते मैं सा निक्का साइकिल वड्डी चलान लगाते उत्ते टट्टी, अब्बे ने फिर चंड सी रखी, इवें नहीं सानू साइकिल आई। ते कुत्ता पिछे नाला अगे, कुत्ता पिछे नाला अगे, जदू नाले अंदर डुक्की मैं सी लाई, कुत्ते ने फिर दौड़ सी लाई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। क्या बात है, कदी सज्जे जावां, कदी सज्जे जावां ते कदी खब्बे जावां, माई सोचे हुण कित्थे जावां, कदी सज्जे जावां कदी खब्बे जावां, माई सोचे हुण कित्थे जावां, जदूं वकियां विच साइकिल मैं सी लाई, बाबे ने जुत्ती फिर दूरों कमाई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। निक्के भरा नूं उत्ते बाया, निक्के भरा नूं उत्ते बाया, उन्ने फिर शोर मचाया, पूरा मोहल्ला ते घर बाहर सी आया, उन्हू चुमया चटिया, ते मैनू लमिया पाके मारिया कुटिया, इवें नहीं सानू साइकिल आई। अच्छा अच्छा, अब्बा कहंदा होली चला। अच्छा, अब्बा कहंदा होली चला, दिल कहंदा सी होर तुड़ा, अब्बा कहंदा सी होली चला, दिल कहंदा सी होर तुड़ा, अब्बे ने फिर गिच्छी ते चंड सी लाई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। ते संगी नारे लांदे सन। अच्छा, संगी नारे लांदे सन, हसदे ते ओ गांदे सन, जिवें कोई जन सी आई, इवें नहीं सानू साइकिल आई। इवें नहीं सानू साइकिल आई। देख कर तुझको मैं हम दिल के
के बुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ। सकता